अगर आप ईपीएफ मेंबर्स हैं, आपका ईपीएफ में अकाउंट है, और जब भी आपको अपना ईपीएफ अकाउंट आपको जो कि लॉगिन करना होता है, तो आप अपने फोन में या फिर जो कि अपना लैपटॉप डेस्कटॉप में आप क्या करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, और गूगल को ओपन करने के बाद आप यहां पर सर्च करते हैं गूगल में अपना ईएन मेंबर पोर्टल। आप गूगल में सर्च करते हैं ईएन मेंबर पोर्टल, सर्च करने मेंबर होम में जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि आपको यहाँ पे ईएनए नंबर हो गया, फिर यहाँ पे पासवर्ड हो गया, फिर यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना होता था जो कि कंपलसरी था। आप उसके विदाउट कैप्चा का आप जो कि लॉगिन यहाँ पे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो यहाँ पे आप मेंबर होम में जब आएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे कि कहीं भी कैप्चा एंटर करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे ईएनए नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से साइनिंग कर सकते हैं। और पहले मुझे लगा कि ये कोई बग है, उसके बाद मैंने क्या किया, अपना फ़ोन में भी मैंने देखा, और फ़ोन में मैंने यहाँ पे मेंबर होम जो कि मैंने यहाँ पे फ़ोन में ओपन किया गूगल में आकर के, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि कहीं भी कैप्चा एंटर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे ईएनए नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, उसका डायरेक्टली आप यहाँ से साइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कैप्चा एंटर करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है कि अब आप ईपीएफ मुझे पोर्टल में आप अपना ईएनए नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके थ्रू आप जो कि लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी जो कि यहाँ पे कैप्चा आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, या फिर कैप्चा विदाउट कैप्चा का भी आप जो कि आप ईपीएफ में लॉगिन कर सकते हैं।